हाय गाइस, मेरा नाम कपिल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम कपिल टांडा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, आज मैं आपको अभ्यास 1 सी का कक्षा 8 क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहा हूँ। निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? सत्य मतलब सही। 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष फल शून्य होता है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो -2/5 में से 2/5 इसमें से हमने माइनस कर दिया, -2/5। तो 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5 इक्वल टू, यहाँ भी 5 इधर भी 5, तो 5 इसका एलसीएम आएगा 2+2 2 × 2 = 4/5। तो देखा, इसका मतलब घटाने पर शेष और शून्य होता है, तो शून्य तो हमारा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हमारा सत्य नहीं है, असत्य है। तो इसे लिख देंगे हम असत्य। दूसरा, -2/7 -3/7 बराबर है -3/7 --2/7। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। तो -2/7 -3/7 इजकल टू -3/7 और --2/7। तो इधर भी 7 इधर भी 7, तो 7 से मारेगा -2 और -3 बराबर -3/7 -+2/7। तो -2 और -3 -5/7 इजकल टू इधर भी 7 आएगा, तो -3 × 2 इजकल टू -1/7। तो ये तो हमारे इक्वल नहीं है, तो -5/7 इजकल टू 1/7 ये बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा असत्य हुआ। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। -3/4 --7/4 ये बड़ा है क्या 1/4 से? तो -3/4 -3/4 --7/4 तो इक्वल टू ग्रेटर देन 1/4 से। तो -3/4 -+7/4 ये बड़ा है 1/4, तो इसका एलसीएम आएगा 4 -3 × 7 ग्रेटर देन 1/4। तो 7 + 3 = 4 4/4 ग्रेटर देन 1/4 4 से 4 कैंसिल 1 ग्रेटर देन 1/4। तो यानी कि ये हमारा बड़ा हुआ। बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम 1/4 से भाग करेंगे तो 4 से 1 भाग करेंगे तो 0.0 उतारेंगे, तो 4 × 8 और 2 इसका कैल्शियम और 4 × 5 = 20। तो इसी तरह हमारा 1 बड़ा हुआ 1/4 से, तो ये हमारा सत्य होगा। इसी तरह -5 < -12/7 -8/7 इसे भी हम सोल्व करें। -5 < -12/7 -8/7 -5 इधर भी 7 इधर भी 7, तो इसका 7 एलसीएम आएगा -12 -8 तो -5 < -20/7। तो क्या ये हमारा बड़ा होएगा? 7 से भाग करेंगे इसको 20, 7 × 2 = 14 6.0 7 × 8 = 56 4 तो 40 का एलसीएम। इसी तरह ये क्वेश्चन ऐसे बढ़ता रहेगा। तो
तो ये हमारा बड़ा ही हैगा, तो ये हमारा सत्य हो गया। थैंक यू।